बहुत शुक्रिया। हसल, तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुमने अपना वजन बहुत कम किया है। आबरू, पता है कल जब मैं घर से निकली, मैंने केनान को देखा। उसने वुराल के साथ देखा मुझे। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि अगर वो मुझे गोली मार दे तो शायद वो कम तकलीफ दे हो। हसल, वादा करो आइंदा ऐसी बात नहीं करोगी। तुम जानती हो ना, अब वापसी का रास्ता नहीं है। तुम्हें ये समझना होगा कि किनान को भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में सोचता है वो? क्या मतलब है तुम्हारा आबरू? असल में मुझे तुम्हें बताना तो नहीं था, लेकिन सोचती हूँ बता ही दूँ तुम्हें। अपने आप को संभालो हसल, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जियो। किनान भी यही कर रहा है। किनान ने तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया है। आबरू, पहेलियां मत बुझाओ। जो कहना है साफ साफ कहो मुझसे। वो मैं आज किनान एक लड़की के साथ था। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो जरूर एक अमीर थी। उसके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी थी। वो कश्ती पर मिल रहे थे। हसल, तुम यही चाहती थी ना? हसल, देखो किनान तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है। जानती हूं कि तुम भी ये कर सकती हो। अपने घर को जानो। हसल, तुम्हारा नाम अब इस खानदान से जुड़ चुका है। अगर तुम अकल से चलो, तुम इस मुल्क की ताकतवर औरतों में से एक बन जाओगी। आगे बढ़ो, ठीक है? हर चीज भूल जाओ। वो लड़की कौन है? मैं नहीं जानती। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? हसल, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि इस तरीके से किनान तुम्हें छोड़ देगा। वरना तुम ये क्यों करती? क्योंकि तुम उसको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, उसकी हिफाजत के लिए। तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, यही किस्मत में लिखा था। मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। जानती हूं मैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अपनी जिंदगी को देखो, आगे बढ़ो, इस्तांबुल जाओ, वहां अपने घर में रहो, ठीक है? आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओ। खुश आमदीद मेरी जान। दिखाओ मुझे। ये भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके नक्शो निगार शुरू किए हैं। लाओ दो मुझे। लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। क्या खत्म नहीं हुआ? किसी चीज जैसा लग ही नहीं रहा। मैंने कहा तो है कि ये भी खत्म नहीं हुआ। मुझे इसको खत्म करने दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि एक दिन मैं इस तरह की कश्ती जरूर बनाऊंगा। ये अजमेर की सबसे शानदार कश्ती होगी, देख लेना तुम। मुझे दो ये। क्या कर रही हो? कोई नुकसान ना करना, ये भी खत्म नहीं हुआ है।
किनान तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है। आज किनान एक लड़की के साथ था, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो कश्ती पर मिल रहे थे। रूह का दर्द और रूह का जख्म किसी भी मरहम से नहीं भरता, जानती हूँ। जब ये तकलीफ देना शुरू हो जाए, कोई चीज भी इलाज नहीं करती, कोई बात, कोई अल्फाज भी। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ जाए तो जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन वो जख्म नहीं भरेंगे। मुझे पता है, जानते हो सबसे मुश्किल क्या है? नफरत करना। वो जिससे मोहब्बत की, जिसको अपनी जिंदगी दी, जब वो मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो अफसोस होता है। नफरत मोहब्बत से ज्यादा आंखों को अंधा करती है। आशिक ठीक हो जाते हैं लेकिन नफरत करने वाले नहीं होते। और वो मेरी बेटी है जिसने तुम्हें बीच रस्ते में छोड़ दिया। मैंने उसका अपने आंसुओं से ख्याल रखा। हम अपनी औलाद को अपनी जिंदगी तक दे देते हैं लेकिन हम कभी भी उनको जमीर नहीं दे सकते। भूल जाओ किनान, अपनी मोहब्बत और अपनी नफरत भूल जाओ बेटा। भूल जाओ ताकि तुम सांस ले सको, भूल जाओ ताकि तुम आगे बढ़ सको। पता है क्या समझ नहीं आता? जो चीज मुझे पागल करती है बताऊं मैं? मेरे पास रूह थी, मैंने उसे अपनी रूह दी। मेरे पास जिंदगी थी, मैंने उसको अपनी जिंदगी दी। हाँ, मेरे पास जिंदगी थी, मैं उसको देता अगर वो चाहती, लेकिन उसको नहीं चाहिए था। उसको पैसा चाहिए था, उसको दौलत चाहिए थी। और बस फिर क्यों अम्मी, क्यों बताइए ना अम्मी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो इतने सालों मेरे साथ क्यों थी? हाँ, क्यों थी वो मेरे साथ? अल्लाह सब कुछ देखता है, छोड़ दो उसको, जाने दो उसे। तुम हाजल के साथ पैदा नहीं हुए थे। ये सच है, मैं हजल के साथ पैदा नहीं हुआ लेकिन उसके बगैर मर गया हूं। मैं मर चुका हूं अम्मी। हजल, क्या हुआ तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास। ठीक हूं मैं। अरे बहुत खून बह रहा है, चलो डॉक्टर के पास। कहा ना तुमसे ठीक हूं मैं। अच्छा ठीक है, मुझे अपना हाथ देखने दो, अगर जख्म गहरा है तो। बताया ना, करीब मत आना। क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया, मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, सब कुछ तो तुमने छीन लिया। अब क्या चाहिए और मैं क्या करूं? इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारा जख्म देखने दो मुझे। तुमने जो जख्म दिए हैं मुझे, उसके आगे ये जख्म कुछ भी नहीं। पता है तुमने मुझसे मेरी मुस्कुराहट छीन ली, मेरी सांसें भी, हद तक के मेरे दिल की धड़कन। और तुम्हें लगता है इस चोट से तकलीफ में हूं? तुमने जो उस दिन मेरे साथ यार्ड पे किया, उस वक्त से जिंदा लाश बना दिया। और क्या करूं मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। हसन, मैं तो बस तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता था, मैं चाहता था तुम मुझसे प्यार करो। दूर रखो अपना हाथ, करीब मत आना मेरे। हसन, तुम खुश रहोगी, बहुत खुश। मुझे मोहब्बत है तो सिर्फ एक शख्स से, और तुम्हें उसका नाम मालूम है। किनान को तो तुम जानते हो ना, सिर्फ उसका हक है इस दिल पर वुराल।
तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? गाड़ी से बाहर निकलो और हमारे साथ चलो। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मुंह बंद करो अपना। बेटा मुझे अब चलना चाहिए, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी नींद ले लो। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा किनान। आप मेरी फिक्र ना कीजिए। मैं कैसे तुम्हारी फिक्र ना करूं? क्या तुम्हारे लिए मैं भी मर चुकी हूं? मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है। तुम मेरे बेटे हो, ठीक है? शायद हम तुम्हारे जख्म ना भर सके, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल बचाएंगे। हाँ बोलो। हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है रखो। उस्ताद हमें फौरन जाना होगा। उस्ताद बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे फोन करना, समझे? खुद को अकेला महसूस ना करना, ठीक है? ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए। मैं अंदर आ सकती हूं? क्यों नहीं। मैं इस्तांबुल जा रही हूं, एक घंटे में मेरी फ्लाइट है। खैरियत है इतनी जल्दी? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगी इस्तांबुल? हाँ, लेकिन उन्होंने आर्ट गैलरी से फोन किया था, कोई मसला हो गया है। मुझे आज रात तक वहां पहुंचना है और मीटिंग अटेंड करनी है। गुड लक इरमक। शुक्रिया। तुम सुबह आ रही हो ना? इस्तांबुल में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है? किसी बात से उदास मत होना, इस्तांबुल में सब अच्छा होगा। फिर मिलते हैं। इरमक मेरी जान, तुम अभी से इस्तांबुल क्यों जा रही हो? मेरी बच्ची, हम सब एक साथ सुबह जा रहे थे। मैंने आपको बताया था अम्मी, उधर गैलरी में कोई मसला हो गया है। वहाँ सब चीजें मैंने देखनी है, अगर नहीं गई तो बहुत इशू क्रिएट होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इन सब से क्यों निपट रही हो। खैर, मैंने पढ़ा है, ये मेरा काम है। अम्मी जान, वैसे भी हम सुबह आ ही रहे हैं। क्या तुमने अपनी सारी चीजें ले ली हैं? ले ली हैं, फिक्र ना करें। अपनी दवा लेना बिल्कुल मत भूलना, अपना ख्याल रखना। मैंने सलमा को पहले ही बता दिया है। इधर देखो मेरी तरफ, अपनी दवा मत भूलना तुम। मैं समझ गई, फिक्र ना करें। यहाँ आओ मेरी बहन, मेरी छोटी सी गुड़िया। वैसे सिनान भाई और डेफनी किधर है? डेफनी अपने कमरे में है और सिनान हमेशा की तरह बाहर है। उन्हें खुदा हाफिज कह दीजिएगा। ठीक है गैंजर। जी जनान साहिब। बहुत ख्याल से लेकर जाना और इस पर नजर रखना, ठीक है? हम अजीज तोपराक पे यकीन नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे साथ गार्ड्स हैं। जब तक जहाज उड़ ना जाए तुम जाना नहीं। अम्मी बात ना बढ़ाएं,
तुम वही करो जो मैंने कहा है गेंजर। जी समझ गया मैं। अपना ख्याल रखना। मुझे मोहब्बत है तो सिर्फ एक शख्स से, और तुम्हें उसका नाम मालूम है। सिर्फ उसका हक है इस दिल पर वुराल। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो लड़की वुराल के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो डर है कि ये नाज से बदतर हालत ना कर दे इसकी। फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं होगा। काश ये सब आपके बस में होता मॉम। 2 साल पहले आप उराल को बचा सकती थी इन चीजों से, लेकिन नहीं कर पाई। पता है ये एक बीमारी है जो कभी भी हावी हो सकती है। काश आपने इतना दिल ना तोड़ा होता सेनान का। अगर उराल दोबारा से बीमार हो गया, यकीनन आपको सेनान की जरूरत होगी। क्या तुम्हें जज्बे की कमी का मतलब पता है दफ्ने? इसका मतलब हिर्स है, लेकिन उस तक पहुंचने की जहानत नहीं है और हुनर भी नहीं है। तुम अपने जौहरी शौहर को तो संभाल सकती नहीं हो दफ्ने, खानदान चलाने की कोशिश कर रही हो। यह मजाइया है, बल्कि बहुत मजाइया। हम देखेंगे जानान साहिबा, हजल को जब पता चलेगा नास के बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा कि कभी किस में है। बहुत जल्द। मेरी आंखें खोलो, कौन हो तुम लोग? बताओ मुझे क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा खोलो मुझे। ये नकाब हटाओ, हटाओ उसे। मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया है। क्या चाहते हो तुम लोग? बताओ मुझे कौन हो तुम लोग? कौन हो? मेरी आंखें खोलो। जो कर्ज तुमने मुझे देना है वो इतनी आसानी से अदा नहीं होगा टेमरुलु खानदान। अजीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों लाए हो? क्या चाहते हो तुम लोग? मैंने अपना कर्ज अदा कर तो दिया। हम एक ही चीज चाहते हैं, इंतकाम। तुम्हारा मसला मेरे भाई के साथ है। तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे भाई के साथ करो, जाओ। मैं तुम्हारे सामने मिन्नत करता हूँ अजीज, मुझे जाने दो। तुम यूं बकरी की तरह चिल्लाओ नहीं, 2 मिनट के लिए खामोश रहो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम नशे के कारोबार में हो, सही कह रहा हूं ना? मुझे खबर मिली है, अब मैं तुम्हें काम की पेशकश करता हूं सिनान। ये काम हम दोनों मिलकर हासिल करेंगे। क्या कहा उन्होंने? हाँ, जीत जीत, जीत पे जीत। हाँ? एक दिन तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करोगी हजल, जितनी उस लड़के से की उससे भी ज्यादा। उस दिन के लिए जी रहा हूं। सुनो, एक दिन आएगा जब तुम मुझसे प्यार करोगी।
भाई क्या आपको यकीन है? हाँ, कश्ती उस कमीने वुराल नहीं जलाई थी। हमें सही जगह से खबर मिली है, देमी रोलू खानदान ने कश्ती जलाई है। वो एक सांप है, इसीलिए उन्होंने अहमद को पकड़ा। उनकी नियत तुम्हें नीचे गिराना है। वो और ज्यादा करेंगे, वो और भी ज्यादा करेंगे। वो सब के सब मरेंगे, वो रुकेंगे नहीं। डेमेरिडो खानदान आज इस्तांबुल जा रहे हैं हमेशा के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हारा गरूर उस कमीने से नहीं लड़ना चाहिए। आओ उससे एक एक चीज का हिसाब लें। आओ उन्हें मौत से भी ज्यादा बदतर बनाएं। अगर तुम तैयार हो तो चले, हमें देर हो रही है। तैयार हूं। हरगिज नहीं, गाड़ी से बाहर बिल्कुल मत निकलना, खामोश रहना। प्लीज उसे कुछ मत करना। वुराल मेरी बात सुनो। वुराल गेंजर, यहां से हिलने की जरूरत नहीं है। सेनान, ये कौन है? हो क्या रहा है? कैसा ड्रामा है? आओ आओ मछेरे, तुम यहाँ खुदा हाफिज़ कहने आए हो? तुम किस तरह के इंसान हो? आखिर तुम्हारा मुझसे मसला क्या है? तुम मेरे बाबा की कश्ती से क्या चाहते थे? तुम उस माजूर इंसान से क्या चाहते थे? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम मर्द हो तो मुझसे क्यों नहीं बात करते? मेरे अंदर जुर्रत है, बस वक्त की कमी है। मेरी बीवी गाड़ी में बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा। मैं यहाँ खबरदार करने नहीं, रोकने आया हूं। मेरी बात सुनो, मैं एक ही दफा कहूंगा बस, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी शोहरत की मुझे कोई भी परवाह नहीं है। ना मैं तुम्हारे आदमियों से डरता हूं और ना ही मैं तुमसे डरता हूं। अब मेरी समझ में आया, तुम यहां पर उस कश्ती का हिसाब लेने आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं समझा कोई बड़ी वजह होगी ऐसे मेरा रास्ता रोकने की। तुम एक बड़े आदमी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी बड़े आदमी नहीं हो। तुम एक छोटे इंसान हो, इतने छोटे की मोहब्बत भी तुम पैसों से खरीद सकते हो, दिल से नहीं। वुराल, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, इस बात को भूलना मत, फजूल की मोहब्बत का मुकद्दर नहीं होता। तुम मेरे से दूर रहोगे और मेरे भाई से भी। आज के बाद तुम्हारा अगर साया भी अपने इर्द गिर्द देखा तो यह खूबसूरत दिन याद करोगे, कसम खाता हूं। याद रखना, और ये एक मशवरे का मशवरा है। Thank you.
हमारे इस्तांबुल जाने के बाद इस आदमी का नाम और निशान मिट जाना चाहिए। उस्ताद, लड़कों से खबर मिली है देमिरोलू खानदान यहां से निकल गया है। जाने दो उनको, उनके जन्नत और जहन्नुम का रास्ता एक ही है। जो वो सोचते हैं कि जन्नत है, हम उसे जहन्नुम बना देते हैं। खुशामदीद डेफनी साहिबा, खुशामदीद सर। शुक्रिया। क्या वो आ गए? वो लोग आ गए हैं, तुम आराम से जाओ। जहरा, सिबिल, लड़कियों कहाँ हो, जल्दी आओ। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप लोग परेशान क्यों हैं? ये तो मेरे प्यारे भाई से पूछ लो। शहजादी, दरअसल परेशानी ये है, हज़ल के पुराने मंगेतर ने हमारा रास्ता रोका। वाकई? वैसे तो कोई इतने मसले की बात नहीं, लेकिन सोसाइटी क्या समझेगी ये सोच रहे हैं, बस इसीलिए परेशान है। शुक्रिया। खुशामदीद जनान साहिबा। शुक्रिया। खुशामदीद जनान साहिबा। बहुत शुक्रिया सलमा। क्या तुमने सब तैयार कर दिया? जी तैयार है। और तुमने सफाई भी करवा दी है ना? हमने कर दी। अच्छा है। खुश आमदीद मेरी जान। खुश आमदीद अम्मी। शुक्रिया मेरी बेटी। क्या तुमने अपना काम कर लिया? जी कर लिया है, लेकिन क्या हज़ल के साथ कुछ हुआ है? डेफने फिर से खामोश नहीं रह सकी। कुछ नहीं था, एक छोटा सा मसला था, कोई बात नहीं। सिबिल, मैंने फ्रेश होना है, मुझे थोड़ा आराम करने दो, थक गई हूं। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है अम्मी। चलती हूँ। अब ये भाईजान कहाँ रह गए? आ गए। खुशामदीद वराल साहब। अल्लाह खैर करे। सलमा, माफ कीजिएगा, मैं खुद को रोक नहीं सकी। खुश आमदीद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। खुश आमदीद हज़ल नए घर में। खुश आमदीद। शुक्रिया अरमक। इरफान और सलमा बिल्कुल हमारे घर वालों की तरह हैं। मिलकर खुशी हुई। हमें भी खुशी हुई। हमारा रूम रेडी है सलमा? जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। जी आइए। चलो चले। आपका सफर कैसा था? कोई बात नहीं दुल्हन साहिबा, आगे चलें। मेरे प्यारे भाई और हज़ल, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ। चलिए, आपका कमरा ऊपर है। इस तरफ। बहुत शुक्रिया वराल। तुम इस दुनिया में सबसे हसीन हो।
क्या हो रहा है यहाँ? इनको उठाओ जल्दी जल्दी। छोड़ दो, तुम ये कर लेंगे। चलो लड़की चलो, उठाओ इसे जल्दी जल्दी जल्दी। वुराल बेटा, तुम थक गए होगे, अगर चाहो तो ऊपर थोड़ा आराम कर लो। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सब क्या है सलमा? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि हर चीज कमरे से बाहर निकलेगी? मैं कीमती चीजें आपसे पूछे बगैर फेंकना नहीं चाहती थी। तो ये रूम कैसा लगा तुम्हें? और फिर पता है उसके बाद ये लीजिए सिनान सर। शुक्रिया नूरा। इंजॉय कीजिए। तो हम बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे कि गाड़ी के सामने आ गया वो लड़का। तुम्हें देखना चाहिए था, बदमाश लड़का था। वो एक हीरो की तरह बर्ताव कर रहा था। वुराल भाई ने क्या किया? क्या करेंगे, उनसे बस माहीगीर का सुना। अगर हजल जैसी से शादी करोगे? हजल का क्या ताल्लुक इस सब से? उसने तो नहीं कहा था ना कि रास्ता रोको। तो कैसी रही मुलाकात, क्या तुमने हल निकाल लिया? जी भाई, सब अच्छा था। जानकर खुशी हुई, हमें भी दावत मिलेगी ना प्रीमियर की? बिल्कुल मिलेगी, हमारे स्पॉन्सर के तौर पे आप मेहमान खुसूसी हैं। भाई, हमारी प्यारी भाभी कहाँ है? थक गई है, आराम कर रही है। उन्होंने हमसे बात तक नहीं की, कम अज कम हमारे साथ यहाँ तो शिरकत करें। हम एक ही घर में अजनबी नहीं हो सकते, सच है ना भाई? देखो वुराल, वो खाती भी नहीं है, मुझे तो डर है कहीं वो बीमार ना हो जाए। उसके रूम में खाना भेज दिया है। असल में वो सही कह रही है, क्योंकि कमरे से इतना अच्छा व्यू दिखता है शहर का कि नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हसल प्लीज मत करो ऐसा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देता। तुम वाकई मुझे तकलीफ नहीं देते? आइंदा कभी नहीं हाथ लगाऊंगा वादा, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ तक नहीं रखूंगा। हम बात तक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अपने पास तो रहने दो। बाहर जाओ। मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ बैठा रहना चाहता हूँ हसल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नफरत करती हूँ। तुम हमेशा मुझसे नफरत ही करोगी है ना? मुझे आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? कुछ बोलो तो सही, तुम क्या चाहती हो? वापस जा सकते हो क्या वक्त में? नहीं जा सकते ना? मैं तुमसे तब तक नफरत करती रहूंगी जब तक तुम वो वक्त वापस नहीं ले आते। अगर मैं वक्त वापस ला सकता तो मैं तब भी यही करता। अच्छा, तो फिर तो मुझे उस दिन उसी कश्ती पर तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। हसल,
अगर मुझे मारने से तुम्हारी नफरत खत्म हो जाएगी तो देर नहीं हुई। ये लो, इसे पकड़ो और मार डालो मुझे। चलो मारो अब। तुम हमारे साथ आ रहे हो जनान, हम तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। उस दमिरोलो को बता दो अगर वो मर्द है तो वो खुद यहां पर चल कर आए। अगर जरूरत है तो मुझे इन लड़कों से उलझने का कोई शौक नहीं है, समझे तुम? चलो अब जाओ। चलो मारो ना मुझे। तुमने अगर अभी नहीं मारा मुझे तो आगे जाके बहुत पछताओगी तुम। वक्त वापस नहीं आ रहा। चलो मारो मुझे। अगर तुम्हें जान से मार देने से वो वक्त आज वापस लौट आता तो मैं तुम्हें अभी जान से मार देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब तुम मर भी जाओ तो कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। किनान, किनान, छोड़ो उसे। किनान, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। रुको। हज़र, हज़र, वो किनान को कहीं ले गए। वुराल के आदमी उसे मार देंगे। हज़र, कुछ करो जल्दी। हज़र, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आगे बोलो। वुराल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, उन आदमियों को अभी रोको। अपनी सांसों को यूज़ आया मत करो तुम। उस मछेरे का वक्त पूरा हुआ। देखो, अगर उसको कुछ हुआ मैं हज़र के पास जाऊंगी और उसको सब कुछ सच बता दूंगी। आज के बाद से हज़र तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ये बात है तो मेरे पास भी हज़र को बताने के लिए बहुत कुछ है। जो कुछ भी मैंने किया वो सब तुम्हारी मदद से ही किया था, याद है? मेरी बात याद रखना, वो तुम थी जिसने उसको मेरे आगे फेंका। वो यकीन नहीं करेगी, नहीं कर सकती वो तुम जैसे घटिया इंसान पर यकीन। लेकिन वो कैमरे पर यकीन कर लेगी। जब तुम अपनी बहन को मेरे सामने पेश कर रही थी उस वक्त की तमाम वीडियो मेरे पास अच्छी तरह सेव है। हमने आपस में मुआहिदा किया था। तुमने तो कहा था कि किनान को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी तरफ से मुआहिदा खत्म समझो। मछेरा अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं था। उस मछेरे के लिए तुम तड़पो नहीं। तुम्हें कोई और मिल जाएगा और तुम उसके साथ हमेशा हमेशा खुश रहोगी। अल्लाह करे कि तुम मर जाओ। तुम पर लानत हो, लानत हो तुम पर। Ha ha ha!